समालागा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र मचरौली ने कहा कि हम जनता की टिकट पर क्षेत्र के विकास का मकसद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी अन्य प्रत्याशियों के द्वारा मेरी लोकप्रियता से घबराकर कई तरह से चुनाव में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि विरोधियों से लोग चुप हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब वोट की चोट से दिया जाएगा। सोमवार को रमाड़ा और तनोली को तमशाबाद को हाड़ पाना काली रमण पाना सहित मनाना गांव समेत अन्य जगहों पर जनसभा की। इसी कड़ी में हल्के के गांव मनाना में पहुंचने पर ग्रामीणों ने आतिशबाजी व पुष्प वर्षा कर मालाओं से नारेबाजी कर जोरदार स्वागत किया और 5 अक्टूबर को सिलाई मशीन के निशान का बटन दबाकर उनके पक्ष में वोट डालने का भरोसा दिलाया। रविंद्र मचरौली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से पदाधिकारियों ने कहा कि समालखा हल्के के जाटों का वोट बैंक नहीं है, सीट आपके लिए जिताऊ नहीं है, फिर आपके भाई को जनता ने समर्थन देकर अपने आप जनता लड़ रही है, जिसको लेकर भी अब मुझे बदनाम कर रहे हैं, पर जनता इनके मंसूबे जान चुकी है। हल्के की सेवा में एम्बुलेंस सेवा व तीर्थ यात्रा सेवा चल रही थी, पर इसको लेकर भी विरोधियों ने नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए। इसके बाद विरोधियों ने खुशी मनाई, लेकिन हल्के की जनता ने अपनी टिकट देकर मैदान में उतारा तो इनको हजम नहीं हो रहा है। एक ही बोल गंगा मैया की, मेरे मान व सम्मान के योग पिता समान बुजुर्गो, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें व प्यारे बच्चे, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं। देखो, आपने मुझे 2014 में विधायक बनाया, लेकिन उस टाइम क्या था, जब हमने चुनाव लड़ा 2014 के अंदर, एक नारा चल रहा था बड़े जोर से, भाई ये तो जाट है, ये तो जाट है, जाट का नारा बड़ा चलता था, लेकिन हमने बनते ही ये 36 बरादरी का काम किया ताकि ये जाट वाली बात को खत्म कर दे रविंद्र भाई अपने हल्के से, अगर भाई कोई जाट की बात है। हमने हर बरादरी की गली चुपाड़े जो भी हमारे से बनी, हमने खूब जोर शोर से बनाई, मंदिरों में पैसे देना, लेकिन इस बरादरी के लिए भी एक काम किया मैंने, जाट बरादरी के लिए भी। मैंने क्या किया भाई, मैंने ये सोचा, रविंद्र तू पैसे तो चाहे कितने कुमा ले, मैं चाहता तो मैं भी कुमा लेता 500-700 हजार करोड़ रुपए, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ मेरी बढ़िया थी, लेकिन मैंने ये सोचा तू चुनाव लड़े चाहे ना लड़े, कोई ये कहने वाला नहीं मिल जाए कि कोई जाट एमएलए बना था लूट कर खा गए इस्तेमाल खेल के ने। आप किसी भी गांव में शहर में कहीं भी जाओ, आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा कोई भी, 5 रुपए का लेन देन कहीं आपके बेटे ने आपके भाई ने कहीं भी किया हो। किसी भी गांव में आप घूम काओ, कोई आपको ये कह दे कोई जागरण भंडारा रामलीला या सरकार के ग्रांट के भी पैसे की, अभी मारे काम में बोल के गया था आपके बेटे ने आपके भाई ने कहीं देने हो, इस तरह का कोई एक आदमी भी नहीं पाओगा आप किसी भी गांव में, 36 बरादरी में आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा। और रही बात मनाने गांव की, आपके गांव में बता देता हूं मैं, मोटी मोटी ही बातें तो मेरे को भी याद हैं। सबसे पहले तो एक पावर हाउस लगवा था यहाँ, पावर हाउस की बड़ी दिक्कत थी, लाइट की बड़ी दिक्कत थी, सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपये दिए, शेर खान चौपाल व रामना चौपाल के लिए 18 लाख रुपए दिए, कश्यप चौपाल कुमार व जोगी चौपाल के निर्माण में 27 लाख रुपए दिए, वाल्मीकि व रिजन चौपाल के 19 लाख रुपए दिए, कब्रिस्तानों के 5 लाख, दीमान व नाई चौपाल के 15 लाख रुपए दिए, पार्क निर्माण के 2, किवाना रोड पब्लिक हल टंकी के अंदर 4 लाख, खेतों के रास्ते लगभग 14 के करवाए, 70 लाख रुपए के करवाए, पशु अस्पताल के अंदर रोड व रास्ता बनवा, खेतों में पाइपलाइन की व्यवस्था 14 लाख रुपए, वाल्मीकि शमशान घाट का निर्माण 10 लाख रुपए, जो कि शमशान घाट का निर्माण 18 लाख रुपए, जनरल शमशान घाट के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए, लड़के लड़कियों के स्कूल के अंदर के 20 लाख रुपए, लगभग 105 गलियों को टाइल में पक्का कराया 2 करोड़ रुपए, और पावर हाउस और 4 एकड़ जमीन का सॉलिड वेज है जो इसमें अपना खातल जोड़ की तरफ है, 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर उसी टाइम का लग रहा है, जो टेंडर लग गया, पैसे डलवा रखे थे मैंने, लेकिन उसका काम शुरू आज तक भी नहीं हुआ क्योंकि हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका था उस टाइम, नहीं हमारा पानी की निकासी का सारा ट्रीटमेंट प्लांट वहां लगना था, 4 एकड़ जमीन का रेजुलेशन करके सरपंच ने दे रखा था संदीप ने,
और रही बात डिस्पेंसरी निर्माण के दिए 5 लाख रुपए और इसकी फिटिंग जिसमें बैठे हो अभी 4 महीने पहले इसकी फिटिंग भी कराई, तो कामों की तो कोई बात ही नहीं है, ना काम वाली कोई बात ही, इनके पास सब भी रहा थी हमारे सरपंचों के पास सारे सरपंच, कोई आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा अक भाई हमने पैसे नहीं दिए, जो कोई ना आया तो उसको तो कौन देगा। और ये बताऊं लोग नुका भाई टिकट टिकट, एक बात बताओ मेरी टिकट मेरी पावर मेरी ताकत तो ये बुजुर्ग मेरे नौजवान भाई मेरी माताएं बैठी हैं भाई, टिकट कोई जोड़े में वोट गिर के थोड़ा दे रही है, ये तो बटन हमने दबाना है, तो मेरी टिकट और मेरी पावर मेरी शक्ति तो आप हो सब। और रही बात चुनाव की, आप ये ना समझना आपका कहीं से बोता चुनाव है, आपका इतना मजबूत चुनाव है आज के दिन, मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ, इतना मजबूत है अब दोनों कैंडिडेट कट्ठे हो कभी लड़ लेंगे, जब भी आपको हरा नहीं पाऊंगे इस बात का मैं वादा करता हूँ, क्योंकि 64,000 मेरी माताएं मेरी बहनें मेरे बुजुर्ग गंगा स्नान तीर्थ स्थान 64,000 के करीब मैंने घुमाई है, इनकी सेवा की है, और एम्बुलेंसों की सेवा 10-12 हजार वोटों की एम्बुलेंस ने, अरे ज्यादा हम लड़े तो वोट काटू बन गए, हम पहले विधायक नहीं बन रहे क्या, तो मैं तो ये कहता हूँ आप सभी को भाई ऐसे ऐसे ही गनूर में देवेंद्र भाई एक चुनाव लड़ रहा है उसको भी यही बातें कह के आया, ये तो सब टिकट का वोट काटू है, ये पता चलेगा आने वाली 5 तारीख को ये वोट काटू है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।